नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव लेकर 8 मेंबर्स की कमेटी की आज पहली मीटिंग हो सकती है। दोपहर 3 बजे कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक हो सकती है। बैठक में कोविंद के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत 7 सदस्य शामिल होंगे, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पहले से ही इस कमेटी में काम करने से इनकार कर चुके हैं। केंद्र सरकार के पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता 2 सितंबर को एक कमेटी बनाई गई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर्स नियुक्त किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में सस्पेंशन मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। सरकार ने 8 सितंबर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इससे पहले कानून मंत्रालय की कमेटी बनाई गई। इसका मकसद कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान से रखते हुए देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। जांच करनी जाएगी और लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हों। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में जब मोदी ने केंद्र सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। पीएम मोदी ने खुद कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज एक देश एक चुनाव सिर्फ एक बहस का मुद्दा नहीं रहा, भारत की ज़रूरत है। इसीलिए इस मसले पर गहर विचार और विमर्श अध्ययन किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक चुनाव एक निकाय 2 सितंबर को एक कमेटी बनाएगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर्स होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में सस्पेंशन मेंबर के तौर पर शामिल होंगे और आज 3 बजे की इस मीटिंग पर कन्फर्म हो जाएगा कि आखिरकार एक देश एक चुनाव को लेकर आगे क्या कुछ बयान आते हैं और क्या कुछ बातें कही जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।